अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। भाई सबसे पहले तो जीवे जीवे पाकिस्तान। भाई क्या ही मैच हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। जी हाँ, वर्ल्ड कप के मैच की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो कि कल रात हुआ है। और क्या परफॉर्मेंस दी है भाई पाकिस्तान के बैटर्स ने, भाई कमाल कर दिया, बहुत ही उम्दा। भाई सबसे पहले शुरू करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग से। क्या हो गया गाइस तुम लोगों को, भाई तुम लोगों का तो पेस ही नहीं आ रहा। शाइन की बॉल 133 134 से ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया था उसको। और हसन अली ने कल अच्छे ब्रेक थ्रू दिलवाए आपको। अगर हसन अली के ब्रेक थ्रू नहीं होते वो वाले, तो आप लोग के मैच के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये टारगेट कम से कम 400 रन तो जा रहा था। क्योंकि जिस तरह से कुसाल मेंडेस बैटिंग कर रहा था और वो क्या चौके छक्के आपको लगा रहा था, तो भाई टारगेट जो है वो 400 से कम नहीं था। लेकिन हमारे बॉयज़ ने कमबैक किया और इनको 345 पे रिस्ट्रिक्ट किया, जिसके नतीजे में हमारे बैटर्स। और शुरू में भाई इमाम भाई आप क्या कर रहे हो यार, आपको सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि आपने सेकंड फास्टेस्ट 3000 रन कंप्लीट किए हैं। लेकिन भाई आप सेम बॉल पे सेम दफ़ा दूसरी दफ़ा आउट हो गए हो। पहले नेदरलैंड में भी आप वहीं पर कैच हुए थे, कल भी आप वहीं पर कैच हो गए। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा ख्याल करो, नेक्स्ट मैच हमारा बहुत बड़ा है। अब सारे मैचेस हमारे बहुत बड़े हैं और वो हमें हारने नहीं है, वो हमें जीतने हैं। तो इसमें आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़रूरी हैं इमाम भाई, थोड़ा ख्याल करो। और अब्दुल्ला शफीक तो यार क्या टेक्निकल बैट्समैन हो भाई आप, टेक्निकली कूल काम कंपोज होके आपने क्या ही इनिंग खेली है यार, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। बहुत ही कोई उम्दा आपने इनिंग खेली है, आप यकीन करो देख के दिल खुश हो गया भाई। और फिर बाबर भाई आप कब रन करोगे यार, आपके रन के लिए हम लोग तरस रहे हैं, जल्दी से आप कोई सेंचुरी वेंचुरी रन करो ताकि हम भी कुछ बोल सकें यार। आप सिर्फ सुने जा रहे हैं, हम सिर्फ सुने जा रहे हैं। आप जल्दी से रन करो ताकि हम जो है ना लोगों को जवाब दे सकें कि भाई यू आर द किंग ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। तो प्लीज़ आप प्रेशर लेना छोड़ दो यार, ये प्रेशर आप दोनों मैच में सिर्फ प्रेशर लेके जो है ना बिल्कुल घटिया बॉल पर आप आउट हुए हो। कोई ऐसी बॉल नहीं थी आउट होने वाली, आप आउट हो गए दोनों मैचेस में प्रेशर लेके। उसके बाद रिजवान भाई हैट्स ऑफ टू यू, यू आर द वॉरियर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाउ, क्योंकि आपने क्या आके इनिंग को संभाला है। आपके क्रैम्प्स आ गए थे टांग पे, आपके जो है वो मसला हो रहा था, आपकी कमर में मसला हुआ था, लेकिन आपने उसके बावजूद क्या छक्के मारे हैं आगे बढ़ बढ़ के, क्या सिंगल डबल आपने किए, कोई रन आपने नहीं छोड़ा। और आपकी सेंचुरी कमाल की थी भाई, मैच विनिंग नॉक आपने खेला है। और हम क्या पूरा पाकिस्तान आपके लिए बहुत खुश है, बहुत दुआ को दे रहे हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान ने सक्सेसफुल हाईएस्ट रन चेज जो है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो है वो पूरा किया है 2023 में। आखिरी जो हुआ था 2011 में आयरलैंड ने किया था, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ 322 रन। और कल जो है वो पाकिस्तान ने भाई 345 रन चेस किया है श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में। बहुत ही कोई यार ज़बरदस्त मज़ा आ गया कल का मैच देख के यार। बस आगे अब हमारे सारे टफ मैचेस हैं, तो भाई बॉयज़ अपने जो है वो बॉडी को टाइट कर लो, और क्योंकि अब हमें हारना नहीं है। और इंडिया से इंशाल्लाह यही परफॉर्मेंस रही तो हम ज़रूर जीतेंगे। बस बॉलिंग को थोड़ा सा और जो है वो फोकस करना है, क्योंकि पिचेस बहुत डेड हैं, हम सबको पता है बेकार पिचेस हैं, बैटिंग पिचेस होती हैं, ख़ास तौर पे इंडिया के मैच में सारी पिचेस ऐसी होंगी। लेकिन हमें फोकस नहीं हारना है, और बाबर भाई इंडिया के मैच में आपके रन चाहिए और इंशाल्लाह आप जितवाओगे मैच सिंगल हैंडेडली, ना भी सही लेकिन आप रन करो। बेकार बिल्कुल प्रेशर लेना छोड़ दो, प्रेशर के बगैर खेलो, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपको बैक कर रहे हैं, फैन हैं आपके। और जो है बस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये वर्ल्ड कप जीत जाए, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।